तुम्हारा 100 बार शुक्रिया अदा कर रही थी कि मंगल ने सही मौके पे दवाई लेकर आके कार्तिक की जान बचाई, और कार्तिक की जान बच गई इसीलिए कल सत्यनारायण की पूजा रखवाई है गायत्री ने। हम सबको जाना है, हम सब चलेंगे, ठीक है ना बेटा? बाहर वालों के सामने तुम अपनी पत्नी का मजाक बनाओ, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अम्मा, मंगल, कार्तिक और लक्ष्मी की शादी के बाद पहली बार गायत्री ने कोई आयोजन रखा है, धामधूम से सारा होगा, तो हम सब जाएंगे। चलो अब हमें चल के देख लेना चाहिए कि हम कल क्या पहनेंगे। आइए आप भी देख लीजिए। कैसी बातें कर रहे हो उदित? बेचारी लक्ष्मी को कैसे पता होगा कि कार्तिक को किस चीज की एलर्जी है और किस चीज की नहीं? अभी अभी शादी हुई है दोनों की, गलती से हो गया बेचारी से। क्या है मंगल? लो, चुप क्यों हो? क्या बोलना चाह रही हैं? अरे लाख गलतियां निकाली, लेकिन आज किसी को नहीं पता कि तुमने क्या किया है। लो, क्या किया है? क्या किया है मंगल ने? आज हमारी मैंने गले लगाया बिकॉज किसी की भी जान बचाना बहुत अच्छी बात है, और लोग अक्सर थोड़ी सी भी मदद करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया और अपनी ही बड़ाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मंगल ने इतना डांटने पर भी नहीं बोला कि ये सब कुछ हो गया, मतलब कि कार्तिक को इतना प्रॉब्लम हो गया, उसने बात सुन ली, वो कार्तिक का इंजेक्शन जो हमेशा आदित कहता रहता है कि मंगल अनपढ़ है, उसको गंवार है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन पढ़े लिखे से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी मंगल है, और इतना अच्छा उसने काम किया, उसको इंजेक्शन याद था, वो भाग के गई, कार्तिक का इंजेक्शन लाई और वहाँ पे पहुँचाया, तो और अपनी कोई बड़ाई नहीं की, और हमारी सबकी डांट उसने सुन ली। तो डांट सुनने के बाद जब मुझे इस बात के बारे में पता चला, मेरी बहन से फ़ोन आया कि भाई कल पूजा रखी है और आज तो मंगल देवी बन के आई, तो मुझे सुन के बहुत बुरा लगा कि देख लो, मतलब ये सौम्या थोड़ा सा पढ़ाने आई है और इतनी बड़ी बड़ी बड़ाइयाँ मार रही है, और इस बच्ची ने किसी की जान बचाई। और कुसुम के लिए तो किसी के लिए भी अगर अच्छा करो तो भी बहुत बड़ी बात हो गई, पर यहाँ तो कार्तिक मतलब मेरी सगी बहन का बेटा और अब तो लक्ष्मी का पति मतलब दामाद भी है, तो ये दोहरी हमारा दोहरा रिश्ता भी है उसके साथ। तो अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इतना बड़ा काम किया, हमने इसके बदले में तुम्हें डांटा, तुम्हें छोड़कर हम सब आइसक्रीम खाने चले गए, तो मुझे यहाँ पछतावा है कि मंगल की अच्छाइयों को हमने नहीं देख पाए और इस बिचारी ने भी नहीं बोला, तो मैं माफ़ी मांग रही हूँ, उसको गले लगा रही हूँ और बहुत अच्छा अच्छा बोल रही हूँ कि सच में तुम देवी का रूप हो, मतलब किसी का जान बचाना मतलब भगवान का ही रूप होता है, तो ये सब होके मैं बहुत खुश हूँ। अदित बहुत सरप्राइज है और सौम्या बहुत जल भूंज गई है कि अरे इसकी तारीफ हो गई। लास्टली कहूँगी कि फाइनली गर्मी के दिन गए, बोलते हैं ना गर्मी किसी की भी हो लेकिन बारिश की बूंदें कान में कहकर गई है कि टिकती नहीं है, तो बस अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है, मज़े कीजिए लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, गर्म पानी करके पिए, और अपने आसपास सभी को मतलब अपने फैमिली मेम्बर में बड़े बुज़ुर्ग और बच्चों को भी स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए, और इन्जॉय कीजिए रेन, हैप्पी रेन, हैप्पी मानसून।